आज हम सीखेंगे कि हम सम इफ फार्मूला एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं, और जो सम इफ फार्मूला होता है इसका भी यूज कर हम सम करने के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं किसी भी नंबर को या फिर किसी भी वैल्यू को। लेकिन सम इफ फार्मूले में कुछ कंडीशन होता है जो कि हमें कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, हम अपने अकॉर्डिंग भी इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको डाटा दिख रहा होगा और इस डाटा में लिखा हुआ कि ट्रांजेक्शन टाइप, यानी कि जो भी हमारी कंपनी में ट्रांजेक्शन हुआ है किस किस टाइप के हुए, ऑनलाइन हुए, बहुत सारे कैश भी हुए, डेबिट कार्ड से भी हुए, और कितना कितना हुआ अमाउंट ये भी लिखा हुआ है, और कितना ऑनलाइन डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ ये भी लिखा हुआ है। और कंडीशन ये हमें लगाना है कि हमें ये फाइंड करना है जो डेबिट ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना डेबिट हुआ है वो बस हमें सम करना है यानी जोड़ना है। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए हम लगाएंगे सम इफ फार्मूला। तो आइए देखते हैं। इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले पूछेगा सम रेंज। सम रेंज यानी कि जो वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा, आई मीन उसको जोड़ना है। हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं इसको सेलेक्ट कॉमा। क्राइटेरिया रेंज वन पूछ रहा है, मतलब कि जो रेंज पूरा दिख रहा है, हमें डाटा दिख रहा है, इस डाटा में से क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा। तो क्राइटेरिया रेंज में हम ट्रांजेक्शन टाइप वाले को हम टोटली कर लेंगे सेलेक्ट, देन कॉमा। क्राइटेरिया वन पूछ रहा है मतलब जो हमने रेंज को सेलेक्ट किया है इसमें से हमें क्या देखना है, क्या ढूंढना है वो हमें पता करना। तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं सेलेक्ट कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज टू में हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट वाले को, देन कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया टू, तो क्राइटेरिया टू क्या होगा, हमें ऑनलाइन तो फाइंड करना था लेकिन ऑनलाइन में डेबिट कितना हुआ वो हमें फाइंड करना था, बट यहाँ पर डेबिट आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर हेडिंग। तो हम करेंगे क्या, तो इस सेल का एड्रेस जो होगा हम उसका एड्रेस का नाम लिख लेंगे, जैसे कि जी कॉलम में हो गया और पहले रो में है तो उसका नाम हो जाएगा G1, और ये सेलेक्ट हो चुका है। देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर हिट करने के बाद आंसर आ जाएगा 9500। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन में डेबिट 5000 हुआ है, ऑनलाइन में डेबिट 4500 हुआ है, और ऑनलाइन में डेबिट और कहीं नहीं हुआ है, तो टोटल 9500 रुपये आ चुका है। इस तरीके से हम सम इफ फार्मूले का यूज कर सकते हैं।